In this video, I will show you Meghalaya's most famous and toughest trek to Double Decker Route Bridge and Rainbow Waterfalls. और इस ट्रेक पर पूरे दिन लगभग 12,000 सीढ़ी चढ़ेंगे उतरेंगे, जो एकदम आसान नहीं था. So without wasting time, let's start this video with chill vibes. गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेरापुंजी. कल रात बहुत दिन बाद मैं एक अच्छा नींद लिया, ठीक है. और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है, मेरा टारगेट था कि 7 बजे मैं डबल डेकर रूट बीच का जो ट्रैकिंग है वो स्टार्ट कर दूं, बट अभी टाइम हो रहा है 7:30, मुझे जाने का मन ही नहीं कर रहा है. ये मेरा पीछे है बायनाडी इन रिसोर्ट और इस तरफ है 7 सिस्टर वाटरफॉल. जो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 7 सिस्टर रहता है, मतलब 7 पानी का फॉल्स नीचे गिरता है, ठीक है. बट इस टाइम हम लोग दिसंबर के टाइम है, कुछ नहीं है, एकदम साफ है, बट व्यूज़ एकदम बढ़िया है भाई, ठीक है. आप सोचिए, जस्ट वो मेरा है रिसोर्ट और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 7 सिस्टर वाटरफॉल. सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स देखने के बाद हम लोग होटल से आलू पराठा ब्रेकफास्ट करके निकल पड़े थे डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज का ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट तिन्ना विलेज के लिए. होटल से डिस्टेंस था अराउंड 15 किमी. हम लोगों को लगभग 30 मिनट्स लगा था पहुंचने के लिए. सो हम लोगों ने अभी ले लिया बम्बू स्टिक नीचे जाने के लिए. अभी से डर लगना शुरू हो गया, ठीक है, जा रहे ट्रैकिंग करने. मुझे ही डर लग रहा है, घर वालों को क्या बोलूँ, ठीक है. सो मेरे पीछे तो बैग रहेगा, ड्रोन फोन कुछ नहीं लगा, बैग एकदम खाली है, सिर्फ बैटरी और पावर बैंक लेके आया हूँ, ठीक है. अभी एक गाइड पकड़ते हैं और नीचे चलते हैं. अभी जो देख रहे हैं आप लोग, सबको आने के टाइम देखना है, ठीक है. अभी तो सब हंस रहे हैं, ठीक है. आने के टाइम सब पसीना पसीना जाएगा, सब हंसेगा. ये छोटा वाला भाई भी जा रहा है, ठीक है. हम लोग सोचे थे कि सुबह 7:30 बजे शुरू कर लेंगे, लेकिन अभी 9 बज रहा है, 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं. ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट में आपको गाइड के लिए ऑप्शन मिल जाएगा. सो ये रहा हम लोग का गाइड. व्हाट इज योर नेम ब्रदर? जीवन. डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक गाइड चार्ज लगता है 700 रुपीज, एंड अगर आप उससे भी आगे रेनबो वाटरफॉल्स तक जाते हो तब आपको टोटल 1000 रुपीज गाइड चार्ज देना पड़ता है. बहुत सारे लोग गाइड को बुक करके नहीं लेके जाते हैं. वीडियो के आगे जाते जाते आपको पता चल जाएगा गाइड क्यों जरूरी है इस ट्रैक पर. एकदम धीरे धीरे जाएंगे, कोई जल्दी हड़बड़ी नहीं है, ठीक है. ट्रैकिंग की स्टार्टिंग में आप बहुत सारे छोटे छोटे विलेज पार करके जाएंगे. तिन्ना विलेज से डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज तक आपको टोटल 3500 सीढ़ी पार करके जाना होगा. आप जितना पहाड़ के नीचे बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे आपको गर्मी लगना स्टार्ट होगा. इवन आप अगर विंटर में भी ट्रेक करते हो तब भी सेम ही होगा. यहाँ से थोड़ा सीढ़ियाँ स्टार्ट हो रहा है नीचे की तरफ, ऐसा सीढ़ी चढ़ना भी होगा, समझ रहे हैं. ये स्टिक बहुत काम का है, 20 रुपये देके मास्क भी लेना, ठीक है, बैलेंस बना रहता है. ट्रैकिंग की पूरे रास्ते पर आपको बहुत सारे छोटे छोटे शॉप मिल जाएगा, जहाँ से आप पानी, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स खरीद सकते हैं. अगर आपके पैर में मोच या फिर कुछ छोटे एक्सीडेंट भी हो जाता है तब भी यहाँ पर आपको गांव वाले ऊपर तक लेके आ जाएगा. इसके लिए आपको पैसा खर्चा करना होगा, आप यहाँ पर फंसे नहीं रह जाएंगे. हालांकि अभी के टाइम पर बहुत सारे टूरिस्ट डबल डेकर रूट ब्रिज के पास में होटल या फिर होम स्टे पर रुक जाते हैं एक दिन के लिए. ये प्योरली डिपेंड करता है आपके हेल्थ कंडीशन के ऊपर. कभी भी चेरापुंजी की टूर में आप अपने प्लान में इस ट्रैकिंग को लास्ट दिन में मत रखना. व्यू देख रहे हैं यहाँ से पूरा सुपर. अभी नीचे उतरने के टाइम ही थोड़ा थोड़ा हालत खराब होना स्टार्ट हो गया है पैर का, ठीक है. देखिए एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची भी कर दी. व्हाट इज योर नेम? अरुणिमा. नाइस नेम. सो 1000 सीढ़ियाँ हम लोग कंप्लीट कर लिए नीचे से, अभी भी 2500 और वहाँ तक जाना है. वो जो दूर देख रहे घर, वहाँ पर जाना है.
सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नंगथाईमाई विलेज, ठीक है, और यहाँ पर सिंगल रूट ब्रिज जाने का है, तो हम लोग सिंगल डेकर रूट ब्रिज जाएंगे 3 मिनट्स, ओके, उसके बाद वापस आके जाएंगे डबल डेकर रूट ब्रिज। यहाँ पर हम लोग टिकट काटे, फॉर एडल्ट 30 रुपीज़ एंड चिल्ड्रंस 10 रुपीज़, और वीडियोज़ के लिए GoPro के लिए 200। मैंने आंटी से बात किया, आंटी ने 100 में कर लिया। आंटी खुबले, ये रहा टिकट, सम लोग का हुआ 260 रुपीज़, ठीक है। सो यहाँ पर खुबले का मतलब है थैंक यू, तो अभी से मैं खुबले ही बोलना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो सबको खुबले। तो अभी हम लोग आ चुके सिंगल डेकर रूट ब्रिज, इसके बाद हम लोग जाने वाले डबल डेकर रूट ब्रिज की तरफ। ये वाला बेसिकली बहुत पुराना है, एक ही टाइम में 2 पर्सन अलाउ है इस ब्रिज पर, तो अभी मेरी कज़न और बड़ा भाई जा रहा है। सिंगल लिविंग रूट ब्रिज, दुनिया में सिर्फ मेघालय एक ऐसा प्लेस जहां पर आपको लिविंग रूट ब्रिज देखने को मिलेगा। लिविंग कहा जाता है क्योंकि ये ब्रिज राभार पेड़ के रूट से बनता है, और ये एक दिन में नहीं बनता है, सालों लग जाता है बनने में। ऐसे ब्रिज आपको मेघालय में बहुत सारे देखने को मिलेगा, कहीं नदी के ऊपर, कहीं वैली में, इवन आपको डबल डेकर रूट ब्रिज भी देखने को मिलेगा, जो मैं आपको वीडियो के आगे जाके दिखाने वाला हूँ। ब्रिज पूरा हिल रहा है भाई, क्या बोलूं, डर लग रहा है। क्या हुआ है, फ्रेश लोकल लेमन जूस, सो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, एकदम विलेज के अंदर है, सोच रहे पहाड़ी के नीचे विलेज, और यहाँ पर देखिए पेड़ में ऑरेंज है, ऑरेंज देख रहे हैं, ऑरेंज बहुत सारे ऑरेंज, ऑरेंज का पेड़ देख के खाने का मन कर रहा था, मगर बोला कि नहीं पेड़ से तोड़ नहीं सकते। यहाँ पर एक चार्ज भी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ के जो बच्चे हैं ना, सब ऊपर जाते हैं तिन्ना विलेज तक स्कूल तक पढ़ाई करने के लिए, सोचिए हर दिन ये लोग यहाँ से सीढ़ी चढ़ के ऊपर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कितना स्टेमिना होगा उन लोगों में। हाँ, वहाँ पर हम लोग नींबू पानी पिए, ठीक है, और फिर से जोश आ गया है, ठीक है, चलते हैं अभी फाड़ देंगे भाई हम लोग, ऐसे भी करके करना तो है ही। देख रहे प्लेस देखिए, ओ भाई। सो ये वाला ब्रिज मैं बहुत बार वीडियोस पर देखा हूँ, बट अभी ये वाला ब्रिज बंद किया गया है क्योंकि कमज़ोर बन गया है, अभी नीचे से जाना पड़ेगा। यार ये ब्रिज में जाने का मेरा बहुत मन था यार। मेरा चाचा अभी भी जोश में है, अभी भी ठीक है, बढ़िया जा रहा है। कजन का हालत खराब हो गया अभी से, अभी इसको भी ना चार पहियों पे लेके जाना पड़ेगा, कौन पता है। यहाँ पर एक वाटरफॉल्स का आवाज़ आ रहा है बहुत जोर का, मतलब पानी है भाई। सो बेसिकली देखा जाए तो एकदम नीचे उतरना और एकदम वापस जाने के टाइम चढ़ना ऐसा नहीं है, आपको उतरना है चढ़ना है, उतरना है चढ़ना है, ऐसा ही है। सो आ गया है उस ब्रिज के सामने, इस ब्रिज का फोटो मैंने बहुत देखा है, अमेजिंग ब्रिज है, यहाँ पर तो फोटो बनता ही है। तो डबल डेकर भी जाने के लिए सेम टिकट करना पड़ता है, 50 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड के लिए 20 रुपीज़, और मेरे कैमरा के लिए मैंने दिया 100 रुपीज़। फाइनली आई डिड इट, ओके। रास्ते में डर लग रहा था कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं, ठीक है, बट फाइनली आई हैव रीच्ड, ओके, डबल डेकर। सो लेट्स एंजॉय सम सिनेमैटिक शॉट ऑफ डबल डेकर रूट ब्रिज फ्रॉम मेघालय। दो ब्रिज बना हुआ है इसलिए इसका नाम है डबल डेकर। सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं और मेरा बड़ा वाला जो भाई है, हम दोनों जाएंगे रेनबो फॉल्स की तरफ। अभी टाइम हो रहा है 12:30, मुझे बहुत जल्दी जाना है रेनबो फॉल्स और करके वापस आना है, और मैं अपनी फैमिली वालों को बोल दिया हूँ कि यहाँ पर खड़े रहने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग आराम से ऊपर की तरफ चलना ना, ठीक है। सो अभी मजा आएगा ना बिडू, ठीक है, बहुत मजा करेंगे अभी, अभी कोई नहीं है, ठीक है। रेनबो फॉल्स मेरा सपना है भाई, वापस जाने का टाइम क्या होगा मेरे साथ मुझे नहीं पता, ठीक है। बॉलिंग स्प्रे मैं लेके आया हूँ, प्रॉब्लम होगा स्प्रे मार मार के जाऊँगा ऊपर, लेकिन पहुँचना जरूर है। भाई अमेजन वाला फील आ रहा है,
एडवेंचर एडवेंचर, मजा गया। सीढ़िया सीढ़िया। तो ऐसे ही चलते चलते मैं पहुंच गया ब्लू लैगून लेक तक, जो बहुत सारे लोग अवॉइड करके डायरेक्ट चले जाते हैं रेनबो फॉल्स की तरफ, बट मुझे पर्सनली ये लेक देखना था। और आने के बाद देखा ये लेक रियली में बहुत सुंदर है, जो आपको कभी मिस नहीं करना चाहिए। ब्लू लैगून लेक में कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग फिर से चल दिए टूवर्ड्स आवर फाइनल डेस्टिनेशन द रेनबो फॉल्स। ब्लू लैगून लेक से रेनबो फॉल्स का डिस्टेंस था कुछ लगभग 30 मिनट्स, जिसमें हम लोग और भी बहुत सारे सीढ़ियां, ब्रिज, जंगल, झरने क्रॉस करके पहुंच गए थे द मेस्मराइजिंग रेनबो फॉल्स। हम लोग सुबह के 9 बजे शुरू किए थे, ठीक है, और अभी बज रहा है 2:00 PM, और मैं पहुंच गया हूँ रेनबो फॉल्स। फाइनली ये मेरा बहुत दिन का सपना था, आज जाके कम्प्लीट हुआ। I'm really happy. पूरा पानी मिला है, वाटरफॉल गिर रहा है और हवा के साथ साथ पानी भी आ जा रहा है, ठीक है। अभी जल्दी जल्दी वापस जाना है कि एकदम ऊपर तक जाना है, तो मैं सारे कैमरे सारे कुछ बैग में डाल दे रहा हूँ, ठीक है। और जो यहाँ का जो मैगी का रेट है 50 रुपीज़, वाटर बोतल 50 रुपीज़, बहुत कुछ आप लोगों को बताना है जो मैं टूर गाइड वाला वीडियो में बता दूँगा। जो लोग मेरा सीरीज़ देखते हैं उनको पता है कि मैं हर एक सीरीज़ के बाद टूर गाइड वाला वीडियो बनाता हूँ, तो उसमें सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। सो ये भैया था, बहुत मदद किया मुझे। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, अभी हम लोग बहुत दूर तक आ चुके हैं, ये सब सीढ़ी चढ़ के तब आए थे। 2 मिनट के लिए जस्ट रेस्ट ले रहा हूँ, मैं सोचा था कि मैं कर नहीं पाऊँगा, बट सच कहूँ मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूँ और मैंने कर लिया यार। ओ भाई भाई, मारो मुझे मारो, मैंने कर लिया यार। बट मैं आप लोगों को यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपका स्टेमिना कम है तब डबल डकर से इस तरफ मत आइए, ये थोड़ा टफ है, ईजी नहीं है। एजेड पर्सन के लिए तो मैं एकदम ना करूँगा, और आना भी है अगर आपको करना ही है जैसे भी करके, तो आप गाइड ले लीजिए और एक दिन यहाँ पर डबल डेकर के सामने स्टे कर लीजिए, तब आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है। तो चलते हैं अभी। तो इसके बाद लगभग शाम के 6 बजे तक मैं ऊपर तक पहुँच गया था, और रात को एक पैरासीटामोल, एक पैन पट्टी और खाना खा के पूरे पैर में भोलिनी ला के सो गया था। पता नहीं उस दिन कैसे मैं 12,000 सीढ़ियां हंसते हंसते ही पार कर लिया था। अगर आपको पता चले तो प्लीज कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाओ, भूलना मत। पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ मैं, कहाँ से आ रहा हूँ देखिए, इतना सीढ़ी चढ़ के अभी यहाँ पर जाना होगा उतने ऊपर। ओ भाई, 20 करके सीढ़ी चढ़ रहा हूँ और 30 सेकेंड के लिए रेस्ट ले रहा हूँ।